पहली बात तो मैंने किसी के बारे में मजाक नहीं उड़ाया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री की एमए इन पॉलिटिकल साइंस डिग्री देखने की इच्छा जाहिर की, जो 6 साल से वो नहीं दिखा रहे। स्मृति दीदी की 10वीं की मार्कशीट देखने की देश इच्छा जाहिर कर रहा है, जो वो नहीं दिखा रहे। एमए इन पॉलिटिकल साइंस कहाँ है प्रधानमंत्री की? एमए इन पॉलिटिकल साइंस लोगों को बरगला रहे। 10वीं पास जो 10वीं नहीं था उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, जो 10वीं पास नहीं है। शर्म नहीं आई आपको? डूब के मर जाना चाहिए था उस दिन जब 10वीं पास नहीं को आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। हमसे एनआरसी में 1970 के डॉक्यूमेंट मांगते और खुद एमए इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा पाते, खुद 10वीं की मार्कशीट नहीं दिखा पाते और हमारे सामने यहाँ मेलो ड्रामा करते हो, सीना ठोकते हो, ऐसे ड्रामे करके वोट नहीं मिलेंगे, ऐसे ड्रामा करके ही छत्तीसगढ़ ने बाहर फेंक दिया आपको उठा के। निकल रही फुर्सत में निकल भाई, कभी कभार होली दिवाली सही रोजगार की इन लोगों की बात कर लिया करो, कभी कभार महिलाओं की बात कर लिया करो, कभी कभार ये भी बात कर लिया करो कि 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ये कब तक यही सवाल पूछे जाएंगे? प्रियंका गांधी लेट क्यों आई? प्रियंका गांधी कहाँ गई? वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? अरे भाई, वो हमारी नेता है, हम निर्णय करेंगे। आप तो ये जवाब दो कि 10 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चले गए, बुलेट ट्रेनें कहाँ चल रही है? आज अगर बुलेट ट्रेन होती तो आपको आने में भी विलंब नहीं होता, आप फट से आ जाते बुलेट ट्रेन में बैठ। रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। रोजगार का कोई वादा नहीं होता, इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार बाय प्रोडक्ट के रूप में आता ही है। लौड़ा का सरकार है ये, देश के साथ जो मजाक हो रहा है। और जब हम बोलते हैं एक सेक्टर बताओ, ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करते हैं, गारमेंट से स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, एफएमसीजी गुड्स की। सुमित जी, एचयूएल ने पहली बार अपनी साबुन तेल कंगों की बिक्री में 35% गिरावट दिखाई है। लोगों के पास साबुन तेल कंगा खरीदने का पैसा नहीं है। थुए रे तुम लोग के जिंदगी पे, थुए बेंचो। दे शर्मो, शर्म करो, शर्म। नहीं सर, मैंने पूरा सुना, संविधान की प्रस्तावना की पूरी बात सुनी। आपको पूरा मैं समय दूंगा, रूपिका जी तो ज्यादा देगी आपको, चिंता मत कीजिए। मैं आप दोनों को बढ़िया से मैंने डिबेट करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं समय नहीं दे सकता, क्योंकि आप बायस चश्मा उतारिए ना, जो दिखता नहीं है सर। ये घंटा भर हो गया है मैं आपकी डिबेट सुनी, प्रोफेसर वल्लभ मैं अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हूँ, सुनिए ना मैम क्या होगा। मैं अभी भी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी टू से, पर कमजोर बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता, आपको अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो दर्शकों को बता देता हूं कि चीन $14 ट्रिलियन पर है और अमेरिका $22 ट्रिलियन पर है। हम अभी 5 की बात कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है, 5 ट्रिलियन। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं 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 हमने नहीं कहा था वो बात, तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन में, संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों को। बताता आप बैठो, मैं बता दो, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूँ आप सुनो, आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को, संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ कुछ, आप मैं जवाब देता हूँ, देख लेना जवाब मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता, 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे, तो मेरा चैलेंज है इनको आज, 5 ट्रिलियन में कितने। चलिए आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। 12 होते हैं, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12। ठीक, मुद्दे पे आइए, मैं आगे बढ़िए, मैं भी बोल। भाई मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया क्योंकि कोई नहीं आया इसको, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात नहीं। गजब बेइज्जती है, के पास कोई उत्तर नहीं है। मैंने इनसे बार बार पूछा कि जीडीपी क्यों गिर रही है, सर झुका के जियो ना सर झुका। अरे भैया प्रोफेसर साहब, तो अभी मैं इनको जीडीपी का फुल फॉर्म पूछूंगा नहीं आएगा, मैं वो ये भी गारंटी देता हूं इनको, मेरा चैलेंज है। प्रोफेसर साहब, अभी जीडीपी की व्याख्या पूछूंगा नहीं आएगा, आपको लोगों को गुमराह करो प्रोफेसर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर इन्होंने कहा साहब
एग्रीकल्चर में हमने ये कर दिया। मेरे तो बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा था और ये जानकार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। बच्चों 2.7 ट्रिलियन डॉलर आज है, 5 ट्रिलियन बनने 4 साल में। जरा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल लो बच्चे, 8वीं क्लास का सवाल है ये। और आपके सारे दर्शकों को बोलता हूं निकाल के रखना अपने कॉपी और किताब में, और इनको बताना कि 4.5% से वो नहीं हो सकता। बोले सपने देखो, अरे सपने तो हम यही तो कह रहे, इस सपनों से बाहर आओ। हम यही तो कह रहे, ये कह रहे हम सपनों में देखते हैं, सपने में देख लिया हमने 5 ट्रिलियन। अरे सपनों में 5000 ट्रिलियन, सपने में तो मैंने भी देखा कि मैं रजनीकांत की तरह हवा में उड़ता हुआ फायरिंग कर रहा हूं, पर अगर उड़ूंगा ना भैया तो मुंह के बल गिरूंगा और अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा। मुंह के बल गिरूंगा। प्रधानमंत्री सामने आए और देश को बताए कि उनसे कहां चूक हो गई, देश से माफी मांगे। पूरा देश आज साथ खड़ा है वीर सेना के और सरकार के। मैं देश आज साथ खड़ा है वीर सेना के और सरकार के। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पर प्रधानमंत्री जी छुपे हुए बैठे हैं। मैं आपको वादा करता हूं अमीश भाई आपके शो पे कि कोई प्रधानमंत्री जी को डांटेगा नहीं। अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्ति जिनका काम था देश का बजट बनाना, और वो वहां क्या कर रहे हैं, ताली पीट पीट के ऐसी भद्दी बातें कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि वो देश का केंद्रीय मंत्री है। मुझे शर्म आती है। कोने में जाके शर्माइए, चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। महिलाओं की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? चिन्मयानंद की मालिश के वीडियो दिखाओ इनको, कैसे चिन्मयानंद मालिश कराता है देश का गृह मंत्री। सेनगर के वीडियो दिखाओ इनको। वाह मोदी जी वाह वाह। इन्होंने कहा साहब विदेश से क्या नाता, विदेश से हमारा ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका नीरव ताऊ से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका मेहुल काका से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो आपका शौर्य डोवाल और विवेक डोवाल की मॉरिशस की कंपनियों से नाता है। हमारा विदेश से ऐसा कोई नाता नहीं है जो जय शाह की विदेशी और पीयूष गोयल साहब की शेल कंपनियों का विदेश से नाता है। ऐसा कोई नाता नहीं है प्रभु, आप उसके बारे में भी बताइए। नेहरू जी की बात कर रहे हैं, इनको शायद ये ज्ञान होगा, ये जरूर, क्योंकि ये पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी आदमी है। 3,500 दिन अपने जीवन के पंडित नेहरू जेलों में रहे, 3,500। तो क्या वो गलत था, वो खराब था, वो देश के लिए रहे कि अपने लिए रहे, आप बताइए आज बात। फिर राहुल गांधी जी के इंडियन हिंदुस्तानी होने पे सवाल पूछने वालों को शर्म नहीं आती, जिसके पिता ने देश के लिए अपने सीने को, अपने शरीर को कितने भागों में कटवा दिया, जिसकी दादी ने सीने पे गोलियां खा ली, उस आदमी से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? अरे इस सवाल से पहले शर्म आ जानी चाहिए थी आपको, आपकी जबान लड़खड़ा जानी चाहिए। फिर बोले साहब ऑक्सफोर्ड में पढ़ना गलत है क्या? अरे आपसे पैसे थोड़ी लेके गए थे, वो वकील पैसा इतना था, वकील होके अपने जितने इतना पैसा दान गरीबी याद आ गई, चार गाड़ियां अपने नाम किया उन्होंने वकालत में, अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी अपना नाम किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, जो आंकड़ा दिया ना 14.2%, वो पाकिस्तान, वो भी दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का है। दोस्त झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं मोदी जी की, मैं मोदी जी की स्कूल से नहीं आता हूँ, मैं मोदी जी की स्कूल से नहीं आता हूँ।